देख लिया, हमने आपको अनएक्सप्लोर्ड द्रास भी दिखाया है, द्रास इन समर्स, और जितने एडवेंचर अभी तक किए हैं ना वो भी सब दिखाए हैं, मेरे को AMS हुआ वो भी दिखाया है, देखा है कि नहीं देखा वो जाके अभी देखो और फिर इस वीडियो को देखो। सो वेलकम बैक टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारी स्टोरीज अभी तक पोस्ट हो चुकी हैं। अभी हम जा रहे हैं कारगिल और कुछ इस तरीके का टेरेन है, ये सब शूटिंग स्टोन्स हैं, इट मींस कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ पे हमारी वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, सो गौरव इज ड्राइविंग। वैसे यहाँ की रोड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, आप अभी देख रहे हो यहाँ की रोड्स कितनी ज़्यादा स्मूथ हैं, एंड हम एक रिवर के अलोंग चल रहे हैं तो उसका भी मज़ा कुछ दूसरा ही है। ठंडी हवा भी आ रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फुल ऑन टैन हो चुके हैं, काले भूत हो चुके हैं, मेरी यहाँ पे गर्दन चलने लग गई है। अभी मैंने अवेन थर्मल स्प्रे रखा हुआ है, वो यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इचिंग स्टार्ट हो गई है, स्किन बर्न हो गया है। सामने देख रहे हो पूरे बैरन ब्राउन माउंटेन्स में एक छोटा सा ग्रीन पैच, कितना सुंदर लगता है। बाय द वे, मोस्टली लोग जो लद्दाख करते हैं फ्रॉम श्रीनगर, वो द्रास स्किप करके कारगिल रुकते हैं। हमने फर्स्ट टाइम द्रास में ही हॉल्ट लिया था, नाइट स्टे हमने द्रास में किया था और हमने पूरा द्रास का साइट सीइंग किया है। ऐसा लग रहा था कहीं और ही पहुंच गए हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, यहाँ पे ना एक्चुअली ये हो रहा है कि क्या देखो और क्या ना देखो, क्या शूट करो क्या ना शूट करो, बिल्कुल ही पागल हुए पड़े हैं यहाँ पे। मिनट मिनट में गाड़ी रोक के ऐसा लगता है कि यार ये भी कैप्चर कर लो, ये भी कैप्चर कर लो। गौरव, अभी तक होंडा सिटी ने कैसा परफॉर्म कर रहा है? गाइस, तो अभी आपको आगे जब ले से निकलना होगा उस दिन बताऊंगा। अभी हमारे गाड़ी में ऐसा है कुछ मेजर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई है। ओनली थिंग इज जो जोजीना पे हम लोग गए थे वो थोड़ा सा मुझे अलग लगा, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसी कोई जोजिला पास करने का, वो रोड थोड़ी सी ख़राब है, सेडान्स आर नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ अ टेरेन, थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था शायद। अगर मतलब जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ सारे बड़ी बड़ी SUVs लेके आए हैं, तो ये एक एक्सपीरियंस एक अलग ही था। अगर मैं ये चला पा रहा हूँ तो SUVs तो मेरे लिए केक वॉक होगा शायद। तो गौरव को बहुत टेंशन थी कि उनकी गाड़ी शायद नीचे लगी है, बट ट्रस्ट मी गाड़ी नीचे नहीं लगी है, वो जो बम्प्स होते हैं जैसे उन पर से जाता है वैसे ही लगी है। सो ये थोड़ी अपनी गाड़ी के लिए ज़्यादा पोजेसिव है तो इसीलिए ये बोल रहे हैं ऐसा। मुझे पता है मैं नेविगेशन और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, सो मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने पीछे जब देखा था हमारा ऑलमोस्ट लाइक 3800 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं फ्रॉम बेंगलोर। सो मेरा यहाँ पे दो तरीके का मैं इसमें वो करता हूँ, एक तो मेरी जो ट्रिप होल ट्रिप की चल रही है तो उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा ट्रिप में कितने किलोमीटर्स हुए हैं फ्रॉम बेंगलोर, और दूसरा मैं ये है कि मैं टैंक का पता करता हूँ कि भाई मेरा हर पर्टिकुलर टैंक कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब मैं जब भरवाता हूँ तो वो टैंक का जो माइलेज है वो क्या देती है। सो दिस इज वे आई एम ट्राइंग टू यू नो ट्रैक। इसकी भी फुल वीडियो आने वाली है, अभी नहीं आएगी, वो ट्रिप खत्म होने के बाद आएगी बिकॉज अभी हमें भी नहीं पता। एक वीडियो अभी आ जाएगी बैंगलोर टू दिल्ली, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद वो वीडियो भी हो चुकी होगी।
अभी निकल रहे हैं मुलबेग के लिए चंबा स्टैचू देखने, उसके लिए हमें कारगिल का टाउन क्रॉस करना पड़ेगा और ये कारगिल का टाउन हम क्रॉस करके निकल चुके हैं। अरे भाई बाबा लोग ये देखो है क्या चीज, बाबा लोग और बीबी लोग बाबा बीबी और तो स्नेक रूट्स है, स्नेक रूट्स है भाई, स्नेक रूट्स। भाई साहब ऐसे खतरनाक स्नेक रूट्स आए हैं ये तो, और गौरव को लग रही है भूख, इनको वो तो बोल रहे हैं भैया मेरी तो होगी टाटा फिश, तुम लोग ही चलाओ अब तो। यहाँ पे कोई भी ड्राइव कर सकता है, जस्ट स्पीड पे कंट्रोल रखना है अपनी, बिकॉज रोड्स तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैं, पैची रोड्स हैं नहीं तो गाड़ी तो मक्खन की तरह भागेगी। बस वही है कि स्पीड पे कंट्रोल रखना है और अलर्ट रहना है। अभी एक बहुत फनी चीज हो रही है, यहाँ पे जितने भी फोन्स हैं डिस्टेंस मुलबेग तक का 27 किलोमीटर, टाइम 29 मिनट्स, सब में जितने भी फोनों में बैटरी है 27%। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, अचानक सब चीजें 27 पे आके अटकी हुई है, क्योंकि 27 क्या है, मेरा बर्थडे है, इसका बर्थडे है। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ वो वाला नहीं, तेरा हैप्पी बर्थडे वो नहीं, वो नहीं बोला, चलो बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। दिस इज एवलांच एरिया, सो एवलांच इसलिए है क्योंकि ये जो बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो आप रेत देख रहे हो सारी, ये ढह के नीचे आ जाती होगी, सो दिस इज एक्चुअली सैंड एवलांच नॉट स्नो एवलांच, इसीलिए ये थोड़ा सा डेंजरस है। यहाँ पे ड्राइवर्स चेंज हो चुके हैं, यस क्योंकि जीजू सुबह से बहुत थक चुके हैं, एक बंदा ड्राइव नहीं कर सकता है, इसलिए सबको ड्राइविंग आनी चाहिए। और मैं अभी ड्राइव इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे AMS हुआ था, अभी आई एम फीलिंग बेटर बट स्टिल आई एम रेस्टिंग। ये है एवलांच एरिया, ये देखो पूरी रेत ढह के नीचे आई हुई है। सिंस दिस इज अ रेन शैडो एरिया तो थोड़ा सा वो कम हो जाता है, बट पत्थर पत्थर हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। देखिए हमारा ड्राइवर डोइंग ये है हमारा न्यू ड्राइवर आज का। हाँ बिकॉज ये जो बहुत थक चुके हैं सुबह से, उन्होंने ट्रैकिंग भी किया है द्रास में, थोड़ा बहुत हमने हाइकिंग करी, दो बारी ट्रैकिंग करी है उसने। हाँ तो भाई ब्रेक तो अब देना बनता है। हमारा नया ड्राइवर जो है हमारी होंडा सिटी चला रहा है गोली, थोड़ा डर डर के, और ये है स्पीड इसकी 50 से ऊपर मत जाइए ड्राइवर। मुलबेग पहुंचने में कुछ 5 किलोमीटर बाकी है, ब्यूटी देख रहे हो कितनी सुंदर ब्यूटी है यहाँ पे, फोन्स वगैरह सब गर्म हो रहे हैं, गैजेट्स ओवर हीट हो रहे हैं तो सबको ऑफ करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने अपना ये वाला फोन ऑफ कर दिया है, गौरव का फोन जो यहाँ लगा हुआ है वो ओवर हीट हो रहा है, चार्ज ही नहीं हो रहा इसलिए, तो अभी जस्ट हम मुलबेग पहुंच के इसको ऑफ करेंगे। जियो 5 मैंने ऑफ किया है बिकॉज हीट बहुत ज्यादा हो रही है, फोन्स गैजेट सब ओवर हीट हो रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी सब चीजों को बीट करती है यार। लॉन्ग ड्राइव वी हैव रीच्ड माई 3 स्टैचू ऑल्सो नोन एज
चंबा स्टैचू इन मुलबेग एंड दिस इज द स्टैचू दैट यू आर सीइंग हियर. पूरा माउंटेन में काफ बना हुआ है एंड बुद्धा स्टैचू है. क्या हुआ गौरव? यार धूप आ रही है बहुत ज्यादा. मैं बोल रहा हूँ उनको कि मैं जादू नहीं हूँ, मेरे को धूप से एनर्जी नहीं आती, मैं धूप से एनर्जी ड्रेन हो रही है. और कैसे बोला था वो बताना. मैं जादू नहीं हूँ भाई, मेरे को धूप नहीं चाहिए. धूप को देख के बोलते हैं मैं जादू नहीं हूँ, धूप मत दो. तो धूप नहीं चाहिए. नहीं चाहिए जी, नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. लो जी नजारे एंजॉय करिए जी. आहा हम भी नजारे एंजॉय कर रहे गौरव तो पीछे बैठ के कमेंट्री दिए जा रहे हैं और मुझे इतना सॉलिड सनबर्न हो चुका है ना, यहाँ पे पूरी बाजू लाल हो चुकी है. ये देखो रैशेस, मतलब सनबर्न से ना इचिंग हो रही है इस वक्त. तो मुझे अवेन निकालना पड़ेगा, बट अब तो ले जाके ही निकल सकता है. बट नज़ारे ऐसे हैं कि निकल के बाहर उछल उछल के निकल के फोटोज और वीडियोज लेनी जरूरी है, चाहे जितना मर्जी सनबर्न हो जाए. चलो जी नमकीन वाला पास आने वाला है, अब हम नमिकला पहुंचने वाले हैं. बस 2 किलोमीटर रह गया है. भाई देखो जो कैमरा देख रहा है ना, वो हमारी आंखें उससे ज्यादा देख रही हैं, बिकॉज कैमरे में अल्ट्रा वाइट में ना वो चीज आपको बहुत दूर दिख रही है, और हमारी जो आंखें एक्चुअल ब्यूटी विटनेस कर रही हैं वो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ कितनी ज्यादा सुंदर लग रहा है. So guys, हम पहुंच गए हैं नमकीला. नहीं ये है नमकीला एट द हाइट ऑफ 12,198 feet. आर फर्स्ट पास ऑन द वे टू लद्दाख. आई एम सो हैप्पी. हम यहाँ पे आए थे 10 साल पहले, अब मैं यहाँ पे दोबारा आ रही हूँ. सुपर डुपर हैप्पी. गाइडिंग गियर्स की गोली कैसा परफॉर्म कर रही है? द गोली गाइस अभी तो ठीक है, बढ़िया है। इतनी परफॉर्म कर रही है कि ये महाशय जी पीछे जाके सो ही गए हैं. है हमारी गाड़ी द गाइडिंग गियर्स की गोली, और ये है नमिकला पास. चलो अब आगे चलते हैं. पूछा यहाँ पे गौरव चेक पोस्ट पे? नंबर लिखवाया था हमारी गाड़ी का और कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो. अच्छा एंड बस ठीक है, उसके बाद पास दे दिया ना. हाँ. हर मोड़ पे यहाँ पे पहाड़ों की फॉर्मेशन बदल रही है, उनका टेक्सचर बदल रहा है. यहाँ पे देखो ये पहाड़ अलग लग रहे हैं और वो ऊपर वाले पहाड़ अलग लग रहे हैं. गाइस यहाँ पे एक गाना याद आता है, हर घड़ी बदल रही है पहाड़ लद्दाख के. कहाँ पे क्या बोलते हैं, धूप है कहीं कहीं पे, छांव है कहीं कहीं पे, धूप जिंदगी हर पल यहाँ पहाड़ ही दिखे. टाइम इज मनी बट लाइफ इज सुपर डुपर प्रेशियस. टाइम के साथ पंगा नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि टाइम इज मनी. क्योंकि टाइम तुम्हारी ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है. तो अभी इसीलिए हम लोग खेच रहे हैं खेचूला.
हम कर रहे हैं खेचूला। गाइज ये माउंटेन देखो, इसमें कितनी सारी पीक्स बनी हुई हैं, कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको हर चीज में बोल रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बट ये एक्चुअली में सुंदर है यार, किया क्या जाए। और आसमान के नजारे तो देखो, ओहो इतना नीला आसमान कहीं देखा है? एंड दिस इज नॉट कलर ग्रेडिंग गाइज, दिस इज नॉट कलर ग्रेडिंग, ये भगवान लोगों की ग्रेड वो है, कलर ग्रेडिंग है भगवान की, नेचुरल है, नेचुरल जिसको भी आप मानते हो उनकी कलर ग्रेडिंग। जब से यहाँ पे कारगिल द्रास में एंटर किया, आपको स्पोर्ट्स मोड यूज करने का मौका मिला है? एक आध बार, बट एक्चुअली क्या है, ड्राइव मोड पे आप अगर हिली टर्न्स लेते हो राइट, तो उसमें इट विल नॉट गो अबव लाइक 30-40 की स्पीड से ऊपर। और ड्राइव मोड पे आई थिंक थोड़ा लैग भी लगता है, जब आप अप हिल थोड़ा असेंड कर रहे होते हो तो लैग भी लगता है राइट, लैग होता है। स्पोर्ट्स मोड में आपकी एवरेज कम हो जाएगी, उसमें एवरेज कुछ इतनी खास नहीं आएगी। सो हमने स्पोर्ट्स मोड यूज किया मोस्टली जोजिला पे, और कहीं पे यूज किया था? आई थिंक एक दो पैचेस सोनमर्ग पे भी यूज किया, जहाँ पे बिल्कुल ही स्टीप एकदम खड़ा हुआ सेंड आ गया था, वहाँ पे यूज हुआ है वो। अगर आपने व्लॉग में देखा होगा तो वहाँ पे हमने बताया होगा, लाइक ये वाला स्ट्रेच है, ये वाला स्ट्रेच बहुत ईजी हो जाते हैं, ये सब ड्राइव मोड में ही हो रहे हैं। कौन सा था वो, अरू वैली गए थे जब? हाँ अरू वैली में भी किया था, वहाँ तो 1 or 2 पे ही चल रही थी। हाँ तो यहाँ पे तो ड्राइव मोड पे इजीली चल रही है ये। अब ये हाइट देखो जरा, अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, एक्चुअली इन्होंने ग्रिल लगा दी है क्योंकि हाइट बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल ही ब्लाइंड टर्न्स हैं, मतलब मैप अगर ना हो ना तो बंदा बिल्कुल ही ज्यादा ब्लाइंड टर्न, ये रात में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गाइस हमारी गोली पहुंच चुकी है फातुला पास। Here we are at 13,479 feet, the highest point on Srinagar Leh Road. कैसा लग रहा गौरव? Nice, great man. This is great. This is awesome. गौरव को ऑक्सीमीटर चाहिए था, देखो किस लिए, हाईएस्ट टॉप पे है फातुला टॉप पे, तो इनको ना अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है क्योंकि ये 13,479 को क्या बोलते हैं 79 हाँ उतने फीट पे है। ओए, 82 हो गया भाई, 82 हो गया भाई, 83 बीच में कर जी। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, स्नेक रूट देखो यार, ये देखो मीटिंग समवन हु इज फ्रॉम बैंगलोर, बाइक राइडर गौरव, मिलने गए उनसे। सो गाइज दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रैवल। ओके गाइज स्नेक रूट्स मैंने अभी आपको दिखाए थे, हम अब उन्हीं पे ट्रैवल कर रहे हैं स्नेक रूट्स पे। अब हम यहाँ से लामायुरु पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज काफी लेट हो चुका है, और हमें हाँ हमें एक कर्नाटका के ही बाइकर मिले हैं, वो भी कर्नाटका से राइड करके आए हैं। डिफिकल्ट है बट वो कर्नाटका से राइड करके आए हैं बैंगलोर से, तो उन्होंने बताया था रमजान हॉस्पिटल में उनको 400 rupees चार्ज किया है। हाँ श्रीनगर में उनको, श्रीनगर में रमजान हॉस्पिटल, सो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, 400 rupees एंड 4 hours में उन्होंने रिपोर्ट दे दी। हाँ इनफैक्ट आपको पता होगा कि ये तो खाइबर से भी जल्दी है जबकि खाइबर 1600 rupees ले रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 4 times। सो इनफैक्ट जे एंड के का जो गवर्नमेंट है
उसने बोला है कि 400 में ही देना है प्राइवेट को, बट खाइबर ने लिखा हुआ है कि हम लोग जो आरटीपीसीआर है वो जो इन्होंने जेएनके ने बोला है वो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, किट दूसरी यूज कर रहे हैं। हाँ, सो दे आर सेइंग समथिंग एल्स नाउ, यू कैन अंडरस्टैंड। सो हम अब बस कर रहे हैं कोशिश कि जल्दी पहुंच जाए, एटलीस्ट 9 बजे तक पहुंच जाए ले, क्योंकि नाइट में इस तरीके की रोड्स पे ड्राइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हेयर पिन बेंड्स हैं, स्नेक रूट्स हैं, डेंजरस है। ये है लमाइरो यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी पागल पढ़ना है क्या तूने? सच्ची में पागल हो गई मैं। गाइस ये है लमायुरु मोनेस्ट्री, चलो फटाफट अंदर चलते हैं और हमें कुछ खाना पीना भी है, उसके बाद हमें ले निकलना है। ले अभी भी यहाँ से 125 किलोमीटर है। लमायुरु मोनेस्ट्री फेमस क्यों है? यहाँ पे है मोनेस्ट्री, अब मोनेस्ट्री आपने देख ली है, अब यहाँ पे देखो। सो इसका जो ज्योग्राफी है ना वो मून के लैंडस्केप से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, इसीलिए ये फेमस है। और इस वक्त सनसेट हो रहा है तो कलर्स और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज ऊपर लमायुरु मोनेस्ट्री पे मैं आपको कुछ बता रही थी कि वहाँ का लैंडस्केप मून जैसा लगता है। अब यहाँ पे आप ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मून लैंडस्केप, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। या बाकी सब माउंटेन्स देखो, ये सब ब्लैकिश में है, ब्राउनिश टोन में है, बट यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। दिस इज कॉल्ड मून लैंडस्केपिंग, जिसके लिए लमायुरु मोनेस्ट्री फेमस है। सो गाइज ये अंधेरा हो चुका है, देख रहे हो हमारे आगे गाड़ी जा रही है। हमने किया क्या, हमने थोड़ी चतुराई लगाई है यहाँ पे कि इस बंदे ने ना हमसे पास मांगा, हमने उसको पास दे दिया। अब रात को जब आप पहाड़ों पे चला रहे होते हो तो आप स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल करके चलाते हो, बट ये जे एन के का है, सो ही दिस पर्सन नोज हाउ टू ड्राइव ऑन हिल्स फास्ट। सो ये बंदा भागे जा रहा है, हमने इसको पास दे दिया है। हमने जो अपनी हेडलाइट है वो लो बीम पे कर ली और इसकी गाड़ी को हम फॉलो करने लग गए हैं। सो देखा कितना आसान होता है। यहाँ पे आरटीपीसीआर चेक हो रहा है हमारा। हम यहाँ पे पहुँचे रात को 8 बजे, अभी भी हमें 2 घंटे लगेंगे ले पहुँचने में। सो कुछ 10:30 तक हम अपने होटल पहुँचे। सो गाइज वी हैव एंटर द होटल एंड रात के 11 बज रहे हैं, इसलिए मैं स्लो बात कर रही हूँ। मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। ये है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पैसेज, इन स्टेयर्स से हम ऊपर आए हैं एंड वो सीन देख रहे हो, चलो कल दिखाती हूँ रियल है। सो दिस इज़ द रूम, बहुत ही सुंदर एक एंट्री एरिया है यहाँ पे, पतला सा और इतना ज़्यादा स्पेशियस है कि यहाँ पे हमारा सारा सामान हम रख सकते हैं। लॉन्ग स्टे हो तो लॉन्ग स्टे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइक हमारा तो प्लान है, आगे देखते हैं। कमिंग हेयर, दिस इज़ द वॉशरूम विद गीज़र सेटअप, एक अच्छा बड़ा यहाँ पे मिरर है। सिंक इज़ अल्ट्रा एंड सुपर क्लीन, टाइल्स आर सुपर क्लीन एंड गाइज कमोड, कभी इतना साफ नहीं देखा होगा। इतना साफ़ कमोड कि जो हमारे घरों में साफ़ होता है वैसा है। सो या बाथरूम इज़ बिग एंड स्पेशियस, अ गुड ये फॉर दैट, और बाथरूम स्लीपर्स भी हैं साथ में। दिस इज़ आर रूम, यहाँ पे हम आते हैं तो एक हमारे पास किंग साइज बेड है, कंफर्टेबल विद अ ब्लैंकेट, दोनों साइड बेड साइड टेबल हैं एंड बेड्स आर वेल मेड, ये आप देख रहे हो, बेड्स आर वेल मेड। यहाँ पे नाइट लैम्प्स भी हैं, हमारे पास एक यहाँ पे बिग अलमीरा है, वुडन अलमीरा।
जिसमें हम अपना पूरा सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी स्पेशियस अलमीरा है एंड यहाँ पे हमें दो वुडन चेयर्स दी हुई हैं। दिस इज अ मिरर टू गेट रेडी। ये है एक ट्रिपल बेड मैट्रेस। यहाँ पे एक डेस्क दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना वर्क स्टेशन सेटअप कर सकते हो। एंड हाँ, आ जाइए। सो दिस इज द पर्सन। चलिए भैया, आपने को इंट्रोड्यूस कीजिए। माय नेम इज मृगनम ग्याल। हाँ, और प्रॉपर्टी का क्या नाम है? रॉयल हाउस। कौन सी जगह पे है ये? चांसवाले। और इसमें कितने रूम्स हैं टोटल? टोटल्स 11 रूम्स। 11 रूम्स यहाँ पे, डाइनिंग हॉल एंड किचन। डाइनिंग हॉल एंड किचन। सो पूरी प्रॉपर्टी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? पहले तो हम कोई और दूसरे लड़के रखते थे, तो इस बार पैंडेमिक की वजह से अभी ये इनिशियल पे ही है, तो होपफुली आफ्टर 1 वीक और 10 डेज वो स्टाफ आ जाएंगे। गाइज, प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्पेशियस है। हमारा तो यहाँ पे थोड़ा 1 हफ्ते और 10 दिन का लॉन्ग स्टे है, तो हम तो काफ़ी खुश हैं इस प्रॉपर्टी से। आगे देखते हैं और आगे भैया के साथ और बातें करेंगे फिर। सबसे पहले तो बेड टेस्ट। हाँ, वो बहुत मज़ेदार है, उससे तो मिलाएंगे। उसके साथ सुबह खेलेंगे। हाँ, सुबह फ्रेश होके मिलेंगे उससे। That's it for this video. If you like this video, then you know what you have to do. You have to subscribe to the channel, give this video a like. All the details will be in the description box below. And I will catch you in the next video. Follow on Instagram, like the video and subscribe to the channel. Bye.